दूध अच्छा हो बना रही है मेरा कहता है पी गया चल रहा है जब तेरे इतनी वो छोंक उठा रहा है दूध पी रहे देखो भाई मेरा सूट तो मैंने बाल कटिंग करवा ली है जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा क्यों करवाई कटिंग क्योंकि ज़्यादा रफ हो रहे थे और जल्दी से ग्रोथ होगी बाल होगी हेल्दी भी हो जाऊंगी और केयर भी ज़्यादा कर पाऊंगी अच्छे से और कुछ नया लुक सा लेने का मन कर रहा था बिल्कुल पछतावा नहीं हो रहा बाल कटवा के अब ये देखो मोटी तो हुई पर फिटिंग का सूट बढ़िया मस्त सिल गया कलर मेरे को बहुत प्यारा लगा अब पेंट हो ना टाइट वाले पेंट का वो नहीं चल रहा है अब पेंट प्लाजो का वो चल गया लुक देखो फिर से ये देखो ये वाला वो चल गया ट्रेंड वापस से तो सुंदर लग रहा है ना मुझे वाकई में बहुत सुंदर लग रहा है सूट तो अभी हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए सहारनपुर ये चूड़ा वगैरह निकाल के जाऊंगी यहाँ तक लगाऊंगी मेहंदी और बहुत ना ही पैरा पैरा लगवाती हूँ बहुत दिन बाद अपने आप को खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छे से तैयार हुई और अच्छे से खुश भी हूँ तो काफी अच्छा लग रहा है खुशी से मतलब खुशी खुशी में अच्छा ब्लॉग बनाऊंगी आज प्यारा सा मेहंदी लगवा के तैयार होंगी फिर तो जी फ्रेंड्स आज आए हैं सहारनपुर चंद्रपुर जी मेहंदी लगवाने के लिए कितने बजे तक आज बाजार ओपन रहेगा बाजार 11-12 बाकी हम तो यहाँ पूरी रात तक कस्टमर चलेंगे जब तक हम रहेंगे 12 भी बजे हैं भी बजे तुम उसके बढ़िया लगा जाओ मेहंदी इसका है यार देख रहे हो आपकी लाइन भी सीधी नहीं है देखो क्या बात है यार कंपटीशन चालू हो गया भाई कंपटीशन चालू हो गया भाई अब ये कह रहे कि हमारी जैसे बढ़िया है वो कह रहे कि हमारी बढ़िया देखते हैं भाई किसकी बढ़िया रहेगी सुबह से इतने पैसे आए थे गिनने वाले परेशान हो गए आप करवा दो मेरे वाले की थोड़ा ही ना है ये मैं थोड़ा ही ना है की पता नहीं लगा कर दी तो जी यहाँ पे जो कंपटीशन शुरू हो गया था ये प्यारी सी सब्सक्राइबर आए थे और मेरे से मिलने ही आए थे दूर से फिर इन्होंने आके बताया कि मेहंदी बिल्कुल भी डिज़ाइन अच्छा नहीं बना रहे हैं कुछ तो मुझे पहले ही लग रहा था कि हाँ सच में डिज़ाइन अच्छा नहीं बना रहे फिर उन्होंने बोल दिया और वो भी सैलून का ही काम करती हैं जो अभी लेडीज़ आई थी मेरे पास उन्होंने बोला कि अच्छी नहीं लगा रहे लाओ दीदी मैं लगा के दिखाती हूँ और फिर आपस में थोड़ा सा वो नर्वस सी भी हो गई थी क्योंकि बहसबाजी सी हो गई थी और फिर थोड़ा सा लगाने लग गई तो बोले कि अब मैं लगा तो नहीं सकती क्योंकि मैं सुबह से ही काम कर रही थी अब मुझे अपना भी घर पर भी काम के पर इनको अच्छे अच्छे जवाब दे गई करारे करारे से और तो उन्होंने बोला कि मेरे सैलून पे आना मैं कभी मतलब आपको दिखाऊंगी मेहंदी वगैरह कुछ भी लगा के तो मैंने कहा ठीक है बहन चलो ये भी अच्छी बात है तो भाई मैं भैया को बोल रही हूँ भैया मेरा ज़रूर लगा दो भैया बोल रहे थे कि वो जो उन्होंने लगाई ना वो रफ़ करके फिर से इन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया है मखा मेरी जल्दी जल्दी निपटा दो तुम अपने कॉम्पिटिशन के चक्कर में मेरा हाथ मत ख़राब कर देना मखा पैसे तो पूरे ही लोगे आप और मेरी छोटी सी गुड़िया घर पर भी रो रही होगी मखा जल्दी से फटाफट से लगा दो वैसे गुड़िया की कोई दिक्कत नहीं है हम फीड ना कभी कभी बोतल से करवा देते हैं मैंने इसको आदत डाल दी थी
ऐसे आदत मतलब ये नहीं है कि परमानेंट ही, दिन में जैसे एक बार थोड़ा सा पिला दिया ताकि ये मेरे ऊपर डिपेंड ना हो। कई बार बच्चा जैसे ऐसे होता है कि माँ पॉसिबल नहीं होता कि भाई मैं हर टाइम ही घर पे रहूँ या कैसे भी है, क्योंकि इसमें अभी तो चलो मैं वर्क करती हूँ कि भाई हाँ चलो यूट्यूब पे वीडियो भी बना रही हूँ, बाहर भी आना जाना पड़ता है या वैसे भी कहीं चले जाएँ बच्चे को घर पर छोड़ के। तो बताती हूँ भाई, हम प्यारी से सब्सक्राइबर आ गए। लोग स्टार्ट है तेल वाली एक हाथ 200 रुपए का है। तेल वाली का एक हाथ 200 रुपए का है। हाँ तो भाई बहुत महंगा मेहंदी को अपनी सस्ती है। जी भाई ने कह रहा एक हाथ 200 का, हाथ तो बहुत महंगा है, मेहंदी दे दीजिए 200 की है। तुम्हारे लिए लाया मगा भाई, कभी तुम अच्छी ना लगे। क्या बांट दिया? कौन से थे? वो तो बंद हो गई उससे लाए जो बच्चे पर भी खाते उसका एग्जाम वाले में। वो जल्दी लगा दो उससे लगवा। लो भाई रजनी को लगी है भूख, कह रही है टिक्की खानी है, मैं अभी खिलाता हूँ टिक्की। रजनी भैया से टिक्की बनवाते हैं, ये बहुत अच्छी टिक्की बनाते हैं। चटनी है बाल्टी में इसमें। तो आज आपको वीडियो में ले लिया मैंने अपनी, कैद हो गया आप आज। प्याज थोड़े और डाल दिए उसमें, प्याज थोड़े से पकड़। तो जी आज हमने घर पे बनाए थे नमकीन चावल, फिर जल्दी जल्दी में ऐसे ही खाई गई, फिर मैंने सोचा हूँ खैर टिक्की मंगवा के देखते हैं। तो यहाँ पे वो भैया थे यहाँ की जो जिनसे बनवाए ना, यहाँ बहुत अच्छी टिक्की बनाते हैं तो कई बार बच्चे भी खाते हैं। तो एक पूजा ने पहले खाई, फिर मैंने कहा अच्छी लगी पूजा मेरे लिए और मंगवा दे। और इस साइड में मेरी सब्सक्राइबर बैठी थी बहुत प्यारी सी, मैंने इनसे भी पूछा था तो इन्होंने मना कर दिया, बोले कि हम खाना खा के आए क्योंकि ये सहारनपुर से ही हैं और हम छुटमपुर से आए हैं। और मेहंदी तो ठीक ही लगा दी, बस अच्छी नहीं लगाई, बहुत कॉस्टली लगाई हमारे दोनों के। पता है कितने लिए? 1700 रुपये लिए दोनों के, दोनों हाथों के, मेरे और पूजा के। पर ज़्यादा अच्छी नहीं लगाई। मैं तो यही सजेशन करूँगी कि मेहंदी जब भी लगवाओ तो करवा चौथ से वैसे तो एक दिन पहले ही लगवानी चाहिए, मार्केट में ही काफ़ी अच्छी जगह भी लगाते हैं, पर एक्सपीरियंस वालों से लगवानी चाहिए। ये तो बस रान सी काट रहे थे, ऐसे ही सोच रहे थे बस कि जल्दी जल्दी से इनको निपटा दें और ग्राहक आ जाएंगे। पर वो कहते हैं ना नीयत अच्छी हो तो मतलब कि भाई काम भी अच्छा चलता है। तो भैया पूजा की लग रही है अब मेरी जो है कंप्लीट हो गई थी, मैंने पहले लगवा ली क्योंकि फिर मैंने सोचा कि मेरे जो है सूख जाएगी, फिर जाके मुझे इंद्रश्री को फीड भी करवाना है और रखना भी है थोड़ी देर, इसलिए पहले लगवा ली थी मैंने। और मेहंदी कोई अच्छी नहीं लगाई, बस ऐसे ही हाथ भर दिए इन्होंने मेरे, सोचा कि जल्दी जल्दी से निपटा दें। और फिर इतने ज़्यादा कोई इनके पास कस्टमर भी नहीं आए, हम जैसे ही हमने एंट्री की ना नेहरू मार्केट में तो हमने सोचा ये ठाली बैठे तो इनसे ही लगवा लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आगे जाके मतलब थोड़ा सा कॉस्टली तो है जो अच्छी लगाते हैं, पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे,
जहाँ से पहले मैंने पूछ के गई थी वहाँ पे भी ऐसे ही बता रहे थे कि भाई 700 रुपये में एक जने के लगा देंगे हम, या एक हाथ, पता नहीं, मेरे को पता भी नहीं था उसके बारे में। फिर भी मैंने सोचा मैं चलो ये ठाली बैठे इनसे ही लगवा लेते हैं, पर ये बाद में पता लगा ये क्या कह रहे थे पता है क्या, कोई गाड़ी से आता है तो उनको अलग रेट बताते हैं, बाइक से आता है उनको अलग रेट बताते हैं, पैदल आता है उनको अलग रेट बताते हैं, ऐसे ही है। मैंने कहा चलो तुम्हारा दिन है कोई बात नहीं, पैसे तो सभी कमाते हैं, तो मैंने कहा काम तो अच्छा करो, पैसे तो हम पूरे दे रहे हैं, पर मेरे को मेहंदी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। लो जी मेहंदी का काम कंप्लीट हो चुका है दोनों का, और अब निकल रहे हैं घर। आओ चलो चलो आगे बैठ रहे, चलो उतर चलो। बहुत अच्छी है, लग गई मेरी मेहनत। आ जा चलो जी खोलो, आज सेवा पानी ले ले। हाँ मैं देखो आज का ड्राइवर, आज बिल्कुल पक्का ड्राइवर के बदले। परसों तक करूँगा परसों, चल। हेलो जी कैसे हैं आप, रात हो रही, थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रही हूँ इसलिए, थोड़ा सा अभी चाय पानी पिया था तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेते हैं एक, और व्लॉग में मतलब ये तो आपने देख ही लिया होगा मैंने मंगलसूत्र अपना डाल लिया, मैं खाली गला रखा करूँ, पर अब करवा चौथ आ रहा है तो मेरे को सुहाता नहीं इसको भी, मैं बार बार में बस मेरे को ये ऐसा लग रहा है बार से चेन जो है ना गले पर आती है तो बस मन कर रहा है इसको निकाल दूँ, पर कुछ नहीं अभी वहाँ 2-3 दिन तो पहन ही लूँ फिर देखते हैं। तो ये जो मेरा चूड़ा है ना, ये चूड़ा मेरा पिछले साल का है, पिंक कलर का मैंने लिया था, और इससे पहले जब मैंने लिया था तो वाइट कलर का लिया था, बिल्कुल प्योर वाइट था, अब ये वाला पिंक है, अब ये पता नहीं बेबी पिंक है। और जो दूसरा लिया ना अब की बार जो मैंने और पूजा ने लिया सेम लिया, पिछली बार मैंने पूजा को गिफ्ट किया था चूड़ा, और मतलब कि मैंने खुद पसंद करती हूँ उसको भी ज़्यादा पसंद नहीं, शादी वाला रखा है वो पहन लेती है कभी कभी पार्टी में या शादी ब्याह में कहीं जाती है, तो मैंने सोचा कुछ नया सा दे दूँ सूट पे पहन लेगी। मैं पूरा प्रॉपर पूरा चूड़ा नहीं पहनती हूँ, थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ पहनती हूँ जिससे कि मतलब खाली हाथ भी ना लगे, देखो इतनी इतनी, और ज़्यादा हैवी वाली नहीं पहनती, जो कड़े होते हैं वे मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है कड़े वड़े पहनना, तो सिंपल ही पहनती हूँ। और अभी सब सो रहे हैं तो मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट करूँगी, दिखाती हूँ करवा चौथ की क्या क्या तैयारी कर रखी मैंने, अपने लिए क्या क्या सामान लेके आई हूँ, और पूजा अपने घर चलेगी, पूजा का भी काम निपट गया है। मैं पहले तो देखो मेरी मेहंदी का कलर कितना प्यारा कलर आया है, और नेल पेंट भी देखो कितनी सुंदर, वैसे तो डार्क लगाती मैं पर मेरा मन कर रहा था कि कुछ लाइट सी शेड लगाऊँ नेल पेंट, ये वाली अच्छी लग रही है नेल पेंट, तो ये देखो मेहंदी, हाँ इतनी लगाई, वैसे पहले कभी नहीं लगाती थी, अब धीरे 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 लाइफ काफ़ी चेंज हो रही है मेरी, और कुछ वैसे भी चेंज हो रही है लाइफ, इंजॉय करना चाहती हूँ लाइफ को, अच्छे से जीना चाहती हूँ, स्ट्रगल बहुत कर लिया, काम बहुत कर लिया, अब अपने लिए जीऊँगी और अपनी बहनों के सपने पूरे करूँगी, अपने खुद के सपने पूरे करूँगी, बच्चों को कामयाब करूँगी, और मतलब वो लड़ाई झगड़ा एक मतलब एक ऐसा लग रहा है कोई एक जर्नी या एक वो होता है ना जैसे कि हम एक सेंचुरी को पार कर लेते हैं, वो वाली मतलब मैंने कर ली कंप्लीट, कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना अब किसी के साथ, के जैसे पहले सास बहू वाला जजरानी जेठानी वाला वो थोड़ा सा नाटक सा रहता था कि भाई अब मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं कभी ये चीज़ कभी वो प्रॉब्लम कभी ये प्रॉब्लम, अब सेपरेट हैं अपने बस कमाओ खाओ तो थोड़ी सी टेंशन मुक्त है, सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर पर ध्यान देना है, अपने बच्चों पर ध्यान देना है, अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, क्या पता कितना जीवन है और अच्छी तरह जिएंगे। तो मेहंदी का कलर देखो मेरा कितना प्यारा आया है, ये थोड़ा थोड़ा सा हट गया, हमने ना मेहंदी को सूखा ही उतार दिया था, उसके बाद फिर आज मेरा ये कलर देखो कितना अच्छा आया है, कल रात तो सो गए थे आराम से, मैंने कहा थक गए काफ़ी ज़्यादा तो फिर मेरे को टाइम नहीं मिला, आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया, और कल मेरा शूट है, शूट मतलब ये है कि मैं सोच रही थी कि कैमरे से अच्छी सी वीडियो वगैरह बनाऊँ, एक तो स्क्रिप्टेड वीडियो भी बनाएंगे अच्छी सी, तो आप देखना अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ड्रेस मैंने लहंगा लिया खुद तैयार करवाया लहंगा,
जो मैंने लहंगा तैयार करवाया ना वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी थोड़ी सी चॉइस अलग सी है। मैं डार्क कलर का भी पहनती नहीं हूँ, थोड़े हटके कलर पहनती हूँ। और अभी मैं ये दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या। इतनी ज़्यादा तो नहीं मैं शॉपिंग करती, इतनी ज़्यादा आपने देखा भी नहीं होगा। मैं कुछ ज़्यादा ऐसा सामान मेकअप या ज्वेलरी वगैरह में कोई इंटरेस्ट है ना, मैं प्रमोशन करा करती इन चीज़ों के ना, अपने बस की है। मैंने इतना टाइम मिलता है को ना, अपनी फैमिली में इतना बिजी रहती हूँ। और मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेके आई मैं अपने लिए। सबसे पहले तो ये देखो मेरी पायल, ये कैसी लग रही हैं आजकल ऐसे, मतलब चल रहे हैं ओल्ड फैशन का हो गया। आप ये मेरी पुरानी पायल थी, इनको मैंने वॉश करवाया, बहुत ज़्यादा काली हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कोई सी भी पहन लूँगी, इतनी ज़्यादा तो मैं ख़रीदती नहीं क्योंकि परमानेंट मैं पहनती नहीं हमेशा हमेशा के लिए। तो ये मैंने इनको वॉश करवाया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वैसे अच्छी हैं तो इनको ही क्लीन करवा लिया। जौन सी मर्जी पहन लूँगी मैं। और ये मेरी जो पीली में आई थी वो हैं, ये देखो ये बहुत सुंदर कॉपर कलर वाली। ये अगर मान लो 4000 की है तो ये 8000 की डबल रेट की मिलेंगी आपको। अभी खोल के दिखाती हूँ, ये मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई थी। ये अब नया डिज़ाइन चल गया, देखो कितनी प्यारी है। ये मैंने ना पहले ही पसंद कर ली थी, देखो कितनी प्यारी है, है ना। तो जौन सी मर्जी पहन लूँगी, कॉपर कलर की या फिर सिल्वर वाली जौन सी पहन लूँगी। इस पर कॉपर पॉलिश हो रही है, पर ये थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा है, इनमें शाइन है और ये इससे कॉस्टली ज़्यादा है। नज़दीक तो कैसे दिखाऊँ, ऐसे देख लो। ये मेरी ऐसी बनी थी 9000 के करीब की, तो ठीक है। ये मेरी पायल है, यही पहनूँगी वैसे तो मैं, ये तो मैंने ऐसे ही रख ली अपने निकाल के। और ये मैं पहनूंगी अपने बिछवे, जिसको चुटकी बोलते हैं, चेंज करूंगी मैं। ये नहीं निकालती हमेशा, वो बोलते हैं ना सब, मतलब ज़्यादातर लेडीज़ कुछ पहनती नहीं है। चूड़ी का दी हाथ में से निकाल देती हूँ, जैसे घड़ी पहन रही हो ब्रासलेट तो नहीं तो देखो ये तो हमेशा ही पहन के रखती हूँ मैं, ये रही। और नेल पेंट भी चेंज करी मैंने, पहले डार्क कलर लगाया था फिर लाइट। और ये मैं गिफ्ट करूँगी सविता दीदी को, जो खाना बनाती हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी सी हैं, तो ये गिफ्ट करूँगी मैं सविता दीदी के लिए। मैंने कहा उनको भी कुछ त्यौहार पे गिफ्ट कर देते हैं। और ये मेरा चूड़ा देख लो, पूजा ने और मैंने सेम कलर का लिया है। पूजा ने थोड़े कड़े ऐड करवाए ज़्यादा, मैं पहनती नहीं कड़े, एक तो चुभते हैं सूट में उलझते हैं तो वेस्ट ही जाते। मैं ज़्यादा पहनती नहीं ना, कभी भी चेंज नहीं करती ज़्यादा। तो ये मेरा देखो, इसमें रेड दिख रहा है पर ये बेबी पिंक सा है, पिंक कलर है। देखो पूजा का बहुत सुंदर बना, पूजा ने ना काफ़ी कड़े ऐड करवाए उसमें, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये मैंने दोनों हाथों के करवा लिए, ये देखो। इनकी चूड़ियाँ ऑफ ऑफ कर दूँगी जब इसको नॉर्मली घर में पहनूंगी तो। वैसे तो अभी मेरा ये निकालने का मन नहीं है, बस ये कल पहन के उसके बाद फिर से मैं वापस अपना भी यही वाला पिंक वाला पहनूंगी। मैंने अपना वाइट वाला भी उठा के रख रखा है, कभी कभी जब मन करता है मैं देख लेती हूँ, देख के। ज़्यादातर मतलब जो चीज़ दिल को भा जाती है ना उसको मैं जल्दी से छोड़ती नहीं हूँ। फिर हम ये लेके आए वीग, ये इसलिए लेके आए जब हेयर स्टाइल बनेगा तो हैवी लुक दिखे। ये तो सारे कर्ली हेयर हैं, ये स्ट्रेट हैं, अच्छे लगेंगे। खुल के पूरी पैक है, दो लेके आई पूजा, एक लेके आई मैं, दो लेके आई, एक कर्ली और एक स्ट्रेट वाली। हैवी लुक जैसा भी देखेंगे लहंगे पे कैसा लगेगा वो देखते हैं। और ज्वेलरी नहीं पहनूंगी लहंगे पे, सिर्फ और सिर्फ मंगलसूत्र और इयर रिंग्स लेके आई हूँ, काफ़ी हैवी हैवी। ये देखो काफ़ी हैवी लेके आई हूँ ये वाले, देखो मोर बना हुआ बीच में। और हैवी इसलिए लेके आई, आजकल ना मतलब गले में पहनने का ट्रेंड नहीं चल रहा। और मुझे वैसे मैं तो कभी भी नहीं पहनती, मैं इन चीज़ों पे कभी भी पैसे वेस्ट नहीं करती। बस हाँ मेरा लहंगा है हैवी है तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि अब की बार थोड़ा सा इयर रिंग्स वगैरह ले लेती हूँ कुछ नए लुक के। तो ये वाले मैंने जो है हैवी लुक में लिए हैं। और जब रेडी होंगे तो आप ज़रूर बताना मेरे इयर रिंग्स कैसे लग रहे हैं, तो देखते हैं कैसा लुक रहेगा। ये मेरे इयर रिंग्स हो गए। और मेरे लहंगे का जो कलर है ना, ये कलर है, उसमें से थोड़ा मटेरियल मैं लेके आई थी, मुझे इसका कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया था, वो लेके देना था। तो ये कलर है, अब जो बन के आएगा रेडी होगा तो आप जब बताना मेरे को कैसा लगा आपको।
ये मेरी थाली नई लेके आई मैं, नई डिज़ाइन की। वो पिछली वाली पुरानी हो गई थी, थोड़ी बद्दी सी भी पड़ जाती है, ज़्यादा कॉस्टली तो आती नहीं है। मेरी आई 350 की और पहले 200-250 की आई थी। ये वाली भी सुंदर लग रही है, पूजा की पिंक कलर की है, हैवी है उसमें वर्क। पूजा को भी बोलूँगी आप लोगों को दिखाई क्या क्या सामान लेके आए हैं। तो ये मेरी जो है गोल्डन से उस पर पट वो लगी हुई है, गोल्डन कपड़ा लगा हुआ है, बाकी सुंदर है। देखो फूल बना हुआ है, सुंदर लग रही है थाली। अब मैं दिखाती हूँ सूट, तो मैंने अभी काफ़ी सिलवाए हैं क्योंकि कपड़े मेरे सारे पुराने हो गए थे इंद्र श्री के होने में। और ये मैं लेके आई हूँ वाइट कलर का सूट जिम्मी चू का, देखो ये सिलवाऊंगी मैं करवे के बाद। बहुत ही प्यारा पटियाला सूट सिलवाऊंगी, मज़ा आ जाएगा सूट पहन के। एक तो हेल्दी और पटियाला सूट और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने पसंद है यो वाला कपड़ा और डिज़ाइन इतना मतलब अच्छा लग रहा ना इसका, शाइनिंग वाली सलवार इसकी ऐसी, इस कपड़े ने जिम्मी चू बोल लग रहा है। तो मैंने भी पता नहीं था, मैंने देख तो पूछा भैया से तो पसंद आ गया मुझे एकदम से देखते ही। देखो सूट सिल के बहुत सुंदर लगेगा, गजब एकदम। तो देखियो आप जब लोग बताओगे, यो मतलब मैं लेकर आई हूँ 2.5 या 3 मीटर के करीब है, बचेगा ना इसमें, तो बच्चों को लिए कुछ बनवाऊँगी, इस कपड़े को वेस्ट नहीं करूँगी। बहुत फेवरेट कपड़ा है मेरा, जैसे तो ज़्यादातर फेवरेट ब्लैक और वाइट कप है और 35 ग्रीन। तो भाई देख लिया मेरा ये सामान क्या क्या है, अब मैंने रेडी करके रख दिया। नेल पेंट हमने कल लगाई थी, ये सारी बारी रखी, अभी लगाया नहीं सामान अंदर। देखो कितनी सारी नेल पेंट है आज, ये सब ना मैं कहीं बाहर गई थी तो उन्होंने लगाई, सविता दीदी ने और नैना ने यूज़ की मेरी नेल पेंट देख के कि कुछ लगा लेते, तो उन्होंने लगाई है नेल पेंट। देखो कितनी सारी हैं, बहुत सारी हैं। ये कल अक्षित से विक्स मंगवाई थी, ये बाम ला के दे दी क्योंकि हमने मेहंदी पर लगानी थी। तो ये मेरा थिनर रखा है। तो जी देख लिया आपने मैंने क्या क्या खरीदा है, क्या क्या शॉपिंग की है। इतनी ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं की है, हाँ बस लहंगे को तैयार करवाने में मतलब काफ़ी मेहनत लगी है। और नेक्स्ट व्लॉग में आप देखोगे मेरे को रेडी हुए हुए, मेरे को रेडी होते हुए और क्या कुछ चलता है, क्या कुछ कैसा ड्रेसअप है मेरा, वो सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी करवा चौथ का। तो आज का व्लॉग कहीं पे दी एंड करेंगे। कैसा लगे मेरा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय एवरीवन। मेहंदी डार्क है, डार्क है, डार्क देखो अच्छी लग रही है ना, डिज़ाइन अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, देखिए डिज़ाइन कुछ भी नहीं है बस, हाँ ये कर रखा है क्या थ्रेड है। तो बाय बाय एवरीवन, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल, गुड नाइट।